केवल भाषण करना ही काफी है, केवल आपका स्क्रीन में आ जाना ही काफी है कि उस पर हमको प्रैक्टिकल करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए और जो हम बोलते हैं उसको भी हमको करना चाहिए। आज का दिन ऐसा दिन है कि हम लोग यहाँ से केवल सुन के पर्यावरण बचाना है, अब पेड़ पौधा रोपने जाना है, पेड़ पौधा रोपने जाना है, सुन के इधर से निकाल देना है और फिर चला जाना है। अगर आज भी ऐसा ही हो गया तो मुझे लगता है किस तरह की मीटिंग से कोई फायदा होने वाला नहीं। बड़ी बात है आदरणीय भाई जी का, देखिए प्रैक्टिकली सोच, ये अपने जीवन में पहले पर्यावरण को उतार रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं आप खिड़की, इतना खिड़कियाँ हैं ना, देखिए लोहा दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी सोच ली है, क्या दिखाई दे रहा है, ताक ली देता है भाई, देखिए लोहा है। अगर हम लोहे का इस्तेमाल करें तो लकड़ी कटने की बात होगी, जितना तेजी से हम घर में लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी की खिड़कियाँ, लकड़ी के फर्नीचर, जितना ज़्यादा डिमांड होगा लकड़ी का उतने ज़्यादा पेड़ आपका कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बहुत अच्छी बात आपने बताई। आरा मशीन में जाइए तो अब तो, पहले तो नहीं हम सुनते थे, पहले तो सुनते थे कि पीपल जो काट देगा उसको पाप लिखेगा। अब कहाँ चला गया पाप, रास्ता हो गया साफ, अब तो पीपले कट रहा है। कहे भाई तो सेंटिंग वाला से इंटरव्यू लिए एक बार, रमाकांत भाई जी हमारे, जब हम धलैया करे थे तो सेंटिंग वाला बोला कि सब लकड़ी तकड़ी सब बड़ी महंगा पड़ता है, पीपले का सस्ता दे देता है, इसलिए पीपले वाला कह लगा दो। हालांकि मनो किए होंगे लेकिन तैयो लगा दिया अपना सस्ता के चक्कर में। हम लोगों को चेतना होगा, जगना होगा कि हम लोग फैशन को छोड़ दें, समझे ना, दिखावा को, पर्यावरण का आवरण है उसकी गोद में बैठने का काम करें। आप कभी सुने हैं कि पीपल में पानी पटाने से पुण्य होता है, पीपल में देवता का निवास होता है, सुने हैं आप लोग? पुराने जमाने में कहा गया भाई जी, क्या क्यों कहा? हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ज्यादा दिमाग वाले थे, राजीव जी ने बहुत अच्छा कहा, हम लोग के पास दिमाग धीरे धीरे घटिया होते जा रहा है, लेकिन जितने घटिया हो रहा है दिमाग उतने हम अपने आप को हाईटेक समझ रहे हैं कि हम कंप्यूटर मैन हो गए, उल्टा सोच रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उनकी दिशा में, धीरे धीरे हमारा लाइफ कम हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, बढ़िया हो रहा है। पहले जीते थे अपने दादाजी कितना साल बताइए, आप बताइए, आपके घर में लोग 100 पूरा किया ना जी, 105 साल में गुजरे कुछ दिन पहले, बताइए अब के आदमी 105 साल क्या 80 पूरा करता है तो लोग उसको बड़ी ज्यादा तारीफ करता है, बाप रे 80 ठका दिया, हाँ बाबा 80 ठका दिया, क्या सर 80 में बहुत बड़का खस्सी लग रहा है। अब बताइए पहले 110 साल 115 साल, हम बढ़ नहीं रहे। कारण क्या है कि हम अपने आप के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मानवता के साथ जब तक अत्याचार करेगा पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकती है। पर्यावरण तभी ठीक होगा जब हम समझेंगे कि जिसने हमें दाना पानी दिया, जिसके छांव में हम बचपन बिताए, हम भी उसके सुरक्षा की गारंटी करें। आप ईमानदारी से बताइए, हम लोग सब लोग बताएं अपने जीवन में अगर 5 पेड़ कम से कम जिन लोगों ने रोपने का काम किया है, आरोपित करने का काम किया है, हम लोग अपना हाथ उठाइए, हम उठाते हैं 5 पेड़ जो रोपे हों, बताए भले भी कुछ लोग हैं आप इसको रोपे कितना उठाइए ना, गिरा दिया, चलिए ताले में अपने के बल्कि भाषण के साथ साथ, स्पीच के साथ साथ, सिद्धांत थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करते हैं। और जब तक थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं होगा, व्यवहार में नहीं लाइएगा, तब तक किसी भी कार्यक्रम का कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, लकड़ी का इस्तेमाल आप सभी करेंगे, जन्म लेते ही लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, जन्म लेने के बाद जब तक जीवित है तब तक लकड़ी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और जब आप इस धरती को छोड़ करके अपना टाइम पूरा करके सबको बाय बाय करके सबको टाटा करने जाइएगा हमेशा के लिए, तब भी आपको लकड़ी पीछा हाथ छोड़ने वाली छोड़ेगी पीछा लकड़ी, जीते जी लकड़ी, मरते तब तक लकड़ी, बीच में लकड़ी,
खूब खाइए खड़ी ककड़ी, ककड़ी कहाँ से आएगा कैसे आएगा इसकी कोई चिंता करने वाला नहीं। ककड़ी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मूरा खा रहे हैं, खूब चबा रहे हैं, लेकिन आम के पेड़ को काट रहे हैं, पीपल के पेड़ को काट रहे, बरगद के पेड़ को काट रहे, पूरी धरती का नाश कर रहे हैं। इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो सकती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबको कम से कम अपने जीवन में 5 पेड़ लगाने होंगे और तब होगा आज इसकी शुरुआत करनी है। आज का दिन बहुत बढ़िया दिन, हम बधाई अर्थ जी को हम बधाई देना चाहते हैं, माननीय श्री सियासन प्रसाद महाकवि, माननीय ब्रह्मदेव बाबू हेडमास्टर साहब, माननीय प्रमुख जी को, राजू जी को, नेता जी हमारे अरविंद जी हैं, चंद्र विश्वकर्मा जी हैं, मिथिलेश बाबू हैं, सारे लोग, अशोक कुमार सुमन जी, अशोक कुमार वर्मा एक ऐसी शख्सियत, हमें तो लगा था उस समय के इस सर को क्या हो गया, लेकिन रात भर हम सोए नहीं, बराबर इनकी साइकिल हमको याद आने लगी, दो मुद्दे पे साइकिलें भी लिख दिए, एक बार पिछले में लिख के छाप दिए, अब जन्ने जा तो पिछले पर लिखल है, दो चार बाद हमको आए मैं बोला है क्या सोचते हो, महान शख्स है, इनकी सोच कितनी बड़ी है, पिछले में लिख दिए, एक वृक्ष सब पुत्र समान, हम दो हमारे दो, बहुत बड़ी सोच। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उस शख्सियत हमारे बीच आए हुए हैं, आप में भी कौतूहल होगा इतना महान हस्ती कौन है जो अपना साइकिल में पीछे लिख दिया, अपना फुटपैंट और शर्ट में छाप दिया कि हम दो हमारे दो, एक वृक्ष सौ पुत्र समान। इनको पता था कि जब जनसंख्या बढ़ेगी बाल बच्चे ज्यादा पुटक, अभी मत सोचेगा कि यही सब सोच के हम शादी ब्याह नहीं किए, कौन में जो दूसरा बाल बच्चे पेड़ कर देगा, मैंने जितनी हमारी आवश्यकता है बढ़ेंगी, हम धरती का उपभोग शोषण उतने ज्यादा